हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर अश्वता मैम। बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की। आज की डेट में आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, और चार्ज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इवन मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको, तो यहाँ पर भी मुझे लाइटिंग की ज़रूरत है। और मुझे लाइट कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से। अगर गर्मी के दिन में आपको गर्मी लग रही है तो फ़ैन, एसी, कूलर, ये सारी चीज़ें कैसे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। आप किचन में मिक्सी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, या ओवन इस्तेमाल करते हैं, या इंडक्शन यूज़ करते हैं, ये सब चीजें कहां से चलती हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी के तो आज हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आज कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, है ना? अच्छा सा डायलॉग मारा मैंने। इलेक्ट्रिसिटी आज किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह नहीं सकते। आज हम यही कहें अगर कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहना, लाइफ को सर्वाइव करना मुश्किल है, तो ये कहना बिल्कुल सही है कि हाँ मुश्किल है, है ना? आज इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम नहीं रह सकते। तो बच्चों, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? मतलब आप इससे बल्ब जला सकते हैं, कंप्यूटर, आयरन प्रेस करने के लिए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ओवन, एसी, मोबाइल चार्जर, कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब जगह हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं, देखिए, एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था चार्ल्स ऑफ मिलेटस, अबाउट 600 BC की बात है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और सबसे पहले इन्होंने महसूस किया था चार्ज को, ठीक है? तो सबसे पहले चार्ज का दिमाग में आया कैसे कि चार्ज क्या होता है? इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और इस बोर्ड पर ही जितना मैटर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और एक-एक क्वेश्चंस आते जाएंगे और हम उसका आंसर उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले चार्ज होता है ना, इसका माइंड में, किसके माइंड में आया? तो ये ग्रीक फिलोसोफर, इनके माइंड में आया चार्ज के बारे में। और वो भी कैसे? इन्होंने ना ये रबर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? हुआ यूं, जैसा कि आपको पता ही है कि अगर कोई स्केल मैंने ले लिया, और स्केल को अगर मैं अपने बाल पे, मान लो कि थोड़ा ऑयली मेरा हेयर है, और रब करती हूँ, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे अगर मैंने टुकड़े कर लिए हैं, और उस पर कागज़ के टुकड़े को अगर यूं करती हूँ, तो ये एक मैग्नेट की भांति काम करने लगता है, और वो कागज़ के जो छोटे छोटे पीस है ना, वो इस पर आकर के चिपकने लगते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? तो सबसे पहले इनके माइंड में आया कि ये क्या चीज़ है। या फिर आपने देखा होगा कि सिल्क की साड़ी को जब हम फोल्ड करते हैं, तो उसमें भी उस काफ़ी एक चटचट की आवाज़ आती है, और चिपकते हैं आपस में, है ना? तो ये क्यों चिपक रहे हैं, क्या हो रहा है? ओके, या फिर बैलून वाला एक्सपेरिमेंट, कि बैलून लेकर के उसको रब कर लो, और फिर बैलून को चिपकाओ, तो उससे भी छोटे छोटे जो कागज़ के पीस होंगे, वो आकर के उस पर चिपकते हैं, तो ये क्या हो रहा है? या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप कंबल ओढ़ करके सोए हुए हैं, और रात में कंबल एकदम अंधेरा कमरे में है, और कंबल के अंदर आप भी हो जाइए, एकदम अंदर हो जाइए, मतलब अपना फेस भी आप अंदर ले लो, और पूरी तरह से उसको अंधेरा करके, और कंबल के ऊपर ना ऐसे 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 आप फिंगर मारो, तो आपको वहां पर लाइटिंग दिखाई देगी। क्या है ये? ओके, या कभी जो ये मैंने कहा कि चटचट की आवाज आती है, तो ये कंबल को फोल्ड करते टाइम भी ऐसी आवाज आती है, एक दूसरे से ही आपको एक झटका सा लगता है, ठीक है? ये सब चीजें क्या है? जैसे स्वेटर पहने हुए है ना, वुलन, आप स्वेटर को निकालेंगे तो चटचट की आवाज आती है, ये है क्या? ओके, तो ये सब चीज क्या है? चार्ज है, चार्ज। ओके, तो चार्ज के बारे में सबसे पहले एक्सपीरियंस किसने किया था? ये ग्रीक फिलोसोफर ने, ठीक है? अब हम आते हैं चार्ज पर। अब पहला क्वेश्चन तो हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि चार्ज के बारे में किसने एक्सपीरियंस किया, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन कि ये चार्ज होता क्या है, ठीक है? तो चार्ज को समझने के लिए, चलिए अब यहां पर मैंने लिखा है एक्सप्लेन, तो यहीं पर हम करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, हर एक जो भी चीज़ें हैं, है ना, मतलब कोई भी अगर मैटर है, तो वो मैटर किससे बना होता है? एटम से बना होता है। अब एटम के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी होगी, क्योंकि आप 9th पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए, हमारे इसमें हमारे पास क्या है? एक एटम है, ठीक है? तो एटम में क्या होता है? एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है? कितने सेल्स होते हैं? ये भी इनफाइनाइट सेल्स होते हैं, लेकिन हम 7 सेल्स के बारे में जानते हैं, KL
MNOPQ, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर में ये सारे क्या है, सेल्स हैं, जिनको आप शेल भी आप इनको बोल सकते हैं, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हैं, आप इनको ऑर्बिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल या ऑर्बिट है, इस सेल या ऑर्बिट में क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किस सेल में कितना रहेगा, ये सब टॉपिक तो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का है। फिलहाल यहाँ पर हम चार्ज समझने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लो कि पहले सेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरे सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ भर दिया, ठीक है। उसके बाद मान लो कि मैंने इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये लास्ट वाले सेल में है, ठीक है। अगर ये हमारा जो एटम है, इस एटम को अगर थोड़ी सी देखो, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जो ये ऑर्बिट में ये ब्लैक ब्लैक मैंने भरा है ना, ये हैं क्या, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कोई भी एटम उससे बना होता, कोई भी एटम बना होता है किससे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, जिनकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ में इसमें होते हैं न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से एटम का जो एटमिक मास होता है ना, मास, वो मास न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने प्रोटॉन हैं बाहर में, उतने इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने भरे हैं, देखो 2 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, 8, 2, 10 और 10, 8, 18 और 1, 19, है ना। मैंने यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, 19 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिए हैं, ठीक है। अब 19 इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा, अगर बाहर में 19 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के अंदर 19 प्रोटॉन होंगे। ये न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो खींच कर तो रखा हुआ है, ठीक है, तो सारी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्सली ये एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, तो न्यूक्लियर फोर्स लगा करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा हुआ है। इस वजह से सारे न्यूक्लियॉन्स इस एटम के अंदर ही हैं। लेकिन अगर मैंने थोड़ी सी खुराफात कर दी और मैंने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दी, ठीक है, और एनर्जी दूंगी तो इससे कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मिसगाइड होंगे, मेरी एनर्जी से, मेरे दी हुई एनर्जी से कौन से इलेक्ट्रॉन इसमें से मिसगाइड होंगे, तो इसमें से मिसगाइड होंगे सबसे आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर सेल। आउटर सेल को क्या बोला जाता है, वैलेंस सेल भी बोला जाता है, जो सबसे बाहर का सेल होता है ना, इसको हम बोलते हैं आउटर शेल, या इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है। तो आउटर सेल यानी कि वैलेंस सेल जो होता है, उसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एनर्जी को पा करके और इससे अपना बंधन छुड़ा करके और भागने की कोशिश करेंगे। बताओ क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस की पहुंच से सबसे दूर यही है, ठीक है। उसके बाद इस पॉजिटिव ने मतलब सबको पकड़ रखा है, लेकिन इन पर इस न्यूक्लियस की पकड़ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है ना, इनको सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ पकड़ रखा है। उसके बाद उससे थोड़ा कम फोर्स के साथ इनको पकड़ा होगा, उससे थोड़ा कम फोर्स के साथ इनको पकड़ा होगा, और जो सबसे बाहर वाले हैं उन पर न्यूक्लियस का फोर्स सबसे कम लग रहा होगा, इस एक एटम की अगर हम बात करें तो। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स सबसे कम लग रहा है, अगर मैंने इसको एनर्जी दे दी तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के पा करके और अपने आप को पावरफुल महसूस करता है, और ये क्या करेगा, इससे अपना बंधन तोड़ के कि तूने मुझे पकड़ रखा है, छोड़ मुझे, है ना, और ये यहां से क्या होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहां आ गया, बाहर आ गया, ओके। जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं तो अब बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, ये हो गया है फ्री, ठीक है ना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है, मस्त एकदम, मतलब एटम के, अब जैसा एटम के इसमें ही पहले यहीं पर बंद, यहीं पर घुमा करता था, स्पिन करता था, ठीक है, अब इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, एकदम ये फ्री है, और फ्री होकर के इधर उधर 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 जहां भी इसको मन हो रहा है वहां ये भाग रहा है, ठीक है। अब पहली बात ये कि ये एटम किसका है, किसका एटम आपने ले रखा है, तो इसका देखो एटमिक नंबर इसका तो मैंने लिया था 19 किसका होता है, पोटेशियम का, यानी कि ये तो पोटेशियम का एटम है, ठीक है। अब मैं किसी ना पोटेशियम अब मैं किसी, ये पोटेशियम ही हमारा मेटल है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे मेटल का एग्जांपल देना चाहती हूँ जो आपने वायर में देखा होगा, है ना, जिससे वायर बनता है, जैसे कि कॉपर ले लो, ठीक है। तो सपोज करो कि ये कॉपर का है, कॉपर ये है, और कॉपर के अंदर से एक एटम निकाल करके और उसको मैंने बनाया,
हालांकि कॉपर का एटमिक नंबर होता है 29, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 का करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ मैं समझा रही हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो कि कॉपर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इस एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर निकल गए हैं, ठीक है, एटम से को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते कैसे हैं, तो ये बनते हैं अगर इसको कहीं से ज्यादा एनर्जी मिल गई, ठीक है, जितनी एनर्जी इसकी है उससे अधिक अगर इसको एनर्जी मिल गई तो ये इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को छोड़ करके बाहर निकल आएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा तो ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेंगे बाहर क्या, हवा में घूम रहा है, हवा में नहीं, जो ये सब्सटेंस है, ये कॉपर अगर है, ये अगर लिया है मैंने पोटेशियम, तो ये पोटेशियम के पीस में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, ठीक है। लेकिन मैं किसी ऐसे मेटल को ले लेती हूँ जिसको जो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये कॉपर। तो ये अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में होंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यही कॉपर में ऐसे इस तरीके से ये यहाँ पर घूम रहे होंगे, ठीक है ना। अब वो फ्री है मतलब एटम में तो नहीं है, एटम से बाहर निकल गए हैं, और जब एटम से बाहर निकल गए हैं तो ये फ्री है और मतलब रैंडम इधर उधर 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 जहाँ इनकी इच्छा होती है वहाँ ये घूमते रहते हैं, उस घूमते घूमते उससे टकराया उधर घूम गए, उससे टकराया उधर घूम गए, ठीक है, ये यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चार्ज की बात करते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, जो फ्री हुए हैं, ये क्या है, ये एक चार्ज है, चार्ज है ना। कहा गया ना कि इसमें यहाँ पर जो अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने देखा वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या था, अब आप समझो। देखो हुआ ये था कि एक स्केल जैसे मैंने लिया और स्केल को अगर मैं बाल पे रब कर रही हूं, तो होगा ये कि कुछ यहां पर ना चार्ज का ट्रांसफर होगा। देखो रब करने से क्या मिलेगा, रब करने से हीट एनर्जी मिलेगी। दो अगर अपने हाथ को भी यूं अगर रब करते हैं तो देखिए आपकी हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी कि रब करने से क्या मिला, एनर्जी मिला। एनर्जी मिलने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये जो एटम है ना, इस एटम के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये एटम है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है, तो देखो एक नेगेटिव चार्ज तो बाहर हो गया, चार्ज इसी को बोल रही हूँ चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज तो बाहर हो गया। और इस एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई ना, मैंने क्या बोला था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, बराबर, ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ निकल गया तो अब प्रोटॉन तो एक कम हो गए और इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो अभी पूरे हैं, तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ गई, जिसकी वजह से इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको बताती हूं। जैसे मैंने ले लिया, मान लो देखो मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है, तो सोडियम लिया है Na, है ना, इसका एटमिक नंबर कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281। अब दूसरा लिया है मैंने क्लोरीन, क्लोरीन का एटमिक नंबर कितना होता है, इसका एटमिक नंबर होता है 17, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या आ गया 287। अब देखो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, देने के वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है। डोनर क्यों है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और बहुत सारा ये केमिस्ट्री में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया, वहां पे सारी चीजें पढ़ाई हैं। देखिए अब ये क्या करेगा ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको निकालना चाहता है, और ये सेवन है, सोच रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता तो ये मेरा एट कंप्लीट हो जाता, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ओके। तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम के ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो देखो अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये एक आयन में कन्वर्ट हो गया, और इस आयन का नाम होगा, इसको हम बोलेंगे कैटायन। क्या हो गया, ये बन गया कैटायन, ठीक है, कैटायन, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, हाँ, ये क्या बन जाता है, कैटायन, सही तो लिखा था, कैटायन। और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बन जाता है, एनायन,
ओके तो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। ओके ये बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। कैटायन कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। एनायन कैसे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, रिसीव करके। ओके तो ये क्या कहलाएंगे? अब ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या आ गया है? चार्ज आ गया है। प्लस और माइनस का आना ये क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। तो इनके ऊपर प्लस और माइनस आ चुका है, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? चार्ज पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे ये चार्ज पार्टिकल्स है ना, कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहां पर जो हुआ ये जो अट्रैक्ट किया वहां पर क्या हुआ, तो हुआ यूं कि देखो यहां पर जब इसको रब किया ना, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ गए और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, क्योंकि इनको एनर्जी मिल रही थी। अब कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं इससे ये कोई मैटर नहीं करता, बट ये स्केल बना होगा किसे? एटम से। ठीक है, तो जब इसको रब करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब हुआ तो क्या हो गया है? चार्ज बन गया है। ठीक है, एक बन गया है पॉजिटिव चार्ज वाला, यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज आ गए और कहीं नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो दो अपोजिट चार्ज होने की वजह से, और अपोजिट चार्ज बनेंगे कैसे? देखो एक इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हो गए है ना एक जगह से दूसरी जगह, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यहां, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से इस एटम से निकल करके मेरे बालों पर आ जाते हैं, या बालों से मेरे एटम जो है इलेक्ट्रॉन निकल करके अगर स्केल पे चले जाते हैं, तो स्केल और ये क्या बन जाते हैं? ये चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, चार्ज होने का मतलब कि देखो एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जहां से इलेक्ट्रॉन हटे हैं वहां तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जहां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले गए वहां नेगेटिव चार्ज आ गया, और दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? अट्रैक्शन। ठीक है, दो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, बस यही तो हो रहा था यहाँ पर। ये स्केल जब इसको मैंने रब कर दिया, तो अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? चार्ज बना दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट चार्ज बन गए, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो कागज के पीस हैं उनको ये क्या करने लगते हैं? चूंकि ये चार्ज हो चुके हैं तो ये उसको अट्रैक्ट करते हैं। इसमें भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नेगेटिव ही बन गए हैं, कहीं नेगेटिव है कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है कहीं पॉजिटिव है। ठीक है, हर जगह अलग अलग है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अब वो उस कागज को ना जादू कागज को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये चार्ज बन चुके हैं। बात आपको समझ में आई? तो इस तरीके से चार्ज की वजह से ही अट्रैक्शन होता है। जो बैलून वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं अट्रैक्शन होता है, वो भी चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। या फिर जो आपने देखा कि साड़ी का मतलब एक वाला एक कवर दूसरा कवर दोनों एक दूसरे से चिपक रहा है, तो वहां पर भी क्या हो गया है? एक्चुअल में अट्रैक्शन फोर्स, वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बन गया है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है। और ये अगर मैं स्वेटर उतारती हूं और चट-चट की आवाज आती है, स्वेटर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब भी यहां पर भी चार्ज ट्रांसफर हो चुके हैं और ये भी चार्ज हो चुका है। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से वो खींचेंगे, ठीक है ना, उसकी तरफ खींचे जाएंगे। कभी कभी बाल ही खींचने लगते हैं, अगर मैं बहुत ज्यादा ना इसको रब कर दूं अगर ऑयल करके, तो फिर मैं ऐसे करूंगी ना तो मेरे बाल ऐसे उड़ करके और यहां स्केल पे ऐसे ऐसे उड़ के पहुंचेंगे। ठीक है, वो भी क्या हो रहा है? ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, दो अपोजिट चार्ज बन गया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई। मेरे को बार बार कैमरा चेक करना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए ये इतना सारी चीज़ें समझ में आ गया। अब देखो अपोजिट चार्ज अगर है, जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूर भी जा रहे हैं ना, भाग रहे हैं, भागेंगे अगर एक दूसरे से डिस्टेंस बनाएंगे, तब भी तो आपको जादू ही दिखेगा ना कि ये दूर कैसे जा रहे हैं। तो पास भी आ सकते हैं और दूर भी जा सकते हैं। अब देखो पास आने का अट्रैक्शन कब होता है? जब अपोजिट चार्ज बनते हैं। जैसे एक के ऊपर अगर एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दो ऐसे बनते हैं कि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आया है, ठीक है, यानी कि अगर सिमिलर चार्ज रहते हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है। अट्रैक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा? ये अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, मतलब एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। लेकिन रिपल्सन कहाँ काम करेगा? यदि प्लस प्लस है दो अपोजिट चार्ज है तब रिपल्सन काम करेगा, या माइनस माइनस है दो
अपोजिट चार्ज है तो यहाँ पर भी रिपल्सन काम करेगा, ठीक है ना। रिपल्सन का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भगाना, ठीक है। इधर से प्लस वाले को ले लो, इधर से प्लस वाले को ले लो, और दोनों प्लस वाले को ले करके और सोचो कि इसको चिपका दें तो नहीं चिपकेंगे, है ना। इनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, चल हट जाओ हट जाओ, है ना, दूर भगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिपल्सन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो फट से क्या करेंगे, एक दूसरे को ये चिपका लेंगे, लेकिन रिपल्सन फोर्स ये एक दूसरे को चिपक नहीं पाते हैं। अगर आपने मैग्नेट में ये चीज़ फील किया होगा कि अगर मैग्नेट के दो पोल हैं, ठीक है, अगर साउथ है और नॉर्थ है, अगर सेम सेम पोल आपने ले लिया है, सेम पोल, तो अगर उसको आप चिपकाते ही रह जाओ वो चिपकते नहीं है, ठीक है, वहाँ पर रिपल्सन काम कर रहा है। लेकिन अगर मैग्नेट के अपोजिट पोल एक नॉर्थ है और एक साउथ है, उसको आप लेंगे ना एक पास, तो ये अब फटाक से ये आकर के चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, ओके। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन, ये बात आप समझ गए। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। अब हम इस चैप्टर में चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैटायन एनायन की बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। देखिए कहीं भी करंट को कंडक्ट करने के लिए तीन चीज़ें ही जिम्मेदार होती हैं, है ना। एक तो होता है कि कैटायन हो जाए, ठीक है, कैटायन, जैसा कि कैटायन अभी आपने देखा कि Na+ ये कैटायन है तो ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करेगा। दूसरा एनायन हो जाए, जैसा कि आपने देखा अभी Cl- ये एनायन है, ये सॉल्यूशन के अंदर ये अगर अवेलेबल है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और तीसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने शुरू में निकाला था कि भाई एटम, जैसे ये कॉपर का एटम है, ये कॉपर का एक छोटा सा वायर है, ठीक है, और इस कॉपर के वायर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होकर के इस कॉपर के एटम को छोड़ करके और इसी के अंदर तैर रहे हैं, इसी में है ये, ठीक है, इसके अंदर ये अवेलेबल है। ये इलेक्ट्रॉन्स एटम से बॉन्डेड नहीं है, एटम से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है, फ्री, ठीक है ना, ये फ्री है, एटम से बाहर निकल चुके हैं, ओके, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकल चुके हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे मेन हीरो है, ओके। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इस पूरा ये चैप्टर यहाँ पर रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो वर्क करती है ना, उसके पीछे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है, चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन वास्तव में क्या है, एक चार्ज पार्टिकल्स है ना, ये चार्ज पार्टिकल्स, तो एक चार्ज पार्टिकल्स होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो ये चार्ज है, माइनस चार्ज, आपसे पूछा जाएगा कि इस माइनस चार्ज की वैल्यू कितनी है ना, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये इतना कूलम, कूलम में हम इसको, चार्ज को कूलम में हम, कूलम इसका यूनिट होता है, तो इसकी वैल्यू है 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये वाला जो यहां पर था कि भाई यहां पर चार्ज का ट्रांसफर क्या होता है, वो बात आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, तो एटम को छोड़ करके आए हैं ये, ठीक है, एटम के आउटर वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के द्वारा बंधे हुए नहीं हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको चार्ज पार्टिकल्स कहा जाता है। इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 into 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो कहलाएंगे कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर वो होते हैं जहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपने में से हो करके ये जाने दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री एम्प्लॉई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फ्री एम्प्लॉई हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कहते हैं कि ठीक है भाई, जब तुम लोग हो ही और खाली ही बैठे हो तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को ही कंडक्ट करो। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम कौन करेगा, वही करेगा, वही मेटल करता है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ओके। और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एटम में बंधे हुए हैं, ठीक है, एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, मतलब न्यूक्लियस अपने अपने घर में सारे बैठे हुए हैं, कोई आवारा की तरह से फ्री बैठा हुआ नहीं है, है ना। तो जो फ्री नहीं है, है ना, आवारा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी इनके द्वारा ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि ये तो बहुत ही उमदा काम कर रहा है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि जो अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल गया हो, तो ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं ना, उनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स सब अपने अपने घर में ही है, यानी कि अपने एटम में ही प्रेजेंट रहते हैं, और एटम में न्यूक्लियस उनको पकड़ करके रखता है।
यानी कि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर वो होता है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, यानी कि जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो कहलाता है कंडक्टर, और जिसमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती वो कहलाता है इंसुलेटर। अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरा डस्टर है, इस डस्टर ये क्या है, क्या ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो आपका आंसर होगा क्या इसमें से करंट होकर के जा सकता है? नहीं, करंट इसमें से पास नहीं होगा क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके कार्बन के साथ क्या हुए, मतलब बंधे हुए हैं, एटम के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है। तो अगर एटम के साथ बंधे हुए हैं तो वो फ्री कहलाएंगे नहीं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगा कौन? ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसमें मूवमेंट नहीं होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रिसिटी यहां पर कंडक्ट नहीं हो सकती। क्या इस मार्कर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन अगर मार्कर की जगह पर यहीं पर मैं छोटा सा ये लोहे का अगर रॉड लेती तो और पूछती आपसे कि अब बताओ क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या नहीं, तो आपका आंसर रहता है यस, हो सकता है ना। लोहे में करंट लगता है, टच करने पर करंट आता है, क्यों? क्योंकि आयरन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर, लोहे के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो जिस जिस चीज़ को छूने पर आपको झटका लगता है, ठीक है, जिस जिस को हम करंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ढोने का काम इनका ही होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो इंसुलेटर यानी कि जो जिनमें करंट पास नहीं हो सकता, कंडक्टर जिनमें करंट पास हो सकता है। ओके, इधर का पूरा पोर्शन ये बच्चों आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इधर, देखिए इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, जो चार्ज होता है ना, चार्ज कितना चार्ज है, ठीक है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से, या इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने चार्ज हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुल कितने चार्ज हैं जो कि करंट को पास ढोएंगे लेकर के, तो उनके नंबर को, उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, Q, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय Q, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne का मतलब क्या हुआ, N मतलब संख्या, नंबर, ठीक है, और किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। चार्ज है ही क्या, चार्ज को मैंने बताया ना आपको कि चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम कितने को के जगह पे, तो N होगा, N मतलब कितने संख्या है, और E मतलब चार्ज का, और दोनों को एक साथ क्या हम बोलेंगे, Q, ठीक है, स्मॉल Q कैपिटल Q दोनों से इसको चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो इसको हम कूलाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल सी कूलाम से रिप्रेजेंट करेंगे। कूलाम की स्पेलिंग देखिए, COULOMB, ध्यान रखना है ना, इसको कूलाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पूरा अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया, अब हम बात हमारी किसकी है, अब इलेक्ट्रिक करंट, जस्ट वेट, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, देखिए इलेक्ट्रिक करंट उसमें ही फ्लो हो सकता है ना जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का को कंडक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन वन सेकेंड इज कॉल्ड करंट। करंट किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है, कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, कितने इलेक्ट्रिक चार्ज एक सेकंड में फ्लो करते हैं। मान लो कोई एक पॉइंट ले लो, कि यहां से भी मैंने एक इस मार्कर पर यहां एक पॉइंट बना दिया, और सपोज करो कि ये आयरन का रॉड है, तो एक सेकंड में यहां इस रेड वाले लाइन को कितने इलेक्ट्रॉन्स ने इसको पार किया है, ठीक है, इसको क्रॉस करके निकल गए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक सेकंड में जितने इसको पार करके निकले, वहां से हम काउंट कर लेंगे ना कि अच्छा इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से होकर के निकल गए, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से होकर के निकले हैं, तो इसका मतलब कि इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, क्वांटिटी ही कह रहा है ना। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी, ठीक है, जो फ्लो करती है, ठीक है, करंट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो करती है वन सेकेंड में, उसको हम कहते हैं करंट।
है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि ठीक है यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि एक कोई भी कंडक्टर होता है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का चार्ज, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज के फ्लो होने का क्या मतलब है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं सब जगह, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब हर एक कंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो अगर ये लोहे का बना हुआ है, कहाँ गया मेरा ये, है ना, अगर ये आयरन का बना हुआ है तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मुझे छूने पे करंट क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी भी तो मैं इसको टच कर रही हूँ ना, और कंडक्टर में तो यही बात हुई ना कि अभी अपनी बात हुई कि कंडक्टर जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो चार्ज हैं एक सेकेंड में इस कंडक्टर में कितने चार्ज फ्लो करते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद है, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इसको छू रही हूँ मैं तो करंट लगना चाहिए ना। जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है या जो भी कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का ग्लास आप लो पानी पीने के लिए और उसमें आपको झटका करंट लगना चाहिए ना, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैरियर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने वाला, ठीक है, पहुँचाने वाले वही कैरियर होते हैं, तो फिर करंट लगना चाहिए, नहीं करंट नहीं लगेगा। ठीक है, करंट हमको झटका इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद, लेकिन अभी मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगी कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं बट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं किसी डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, कोई एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको झटका नहीं लगेगा। ठीक है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है ना कि जब ये चार्ज फ्लो करेंगे मतलब बहेंगे, ठीक है, बहेंगे जैसे नदी में नदी का पानी एक धारा के साथ बहता है, तो अगर मान लो कि नदी का पानी बह रहा है और उसमें आप कुछ डाल देते हो, प्लास्टिक का छोटा सा मान लो खिलौना मैंने डाल दिया, तो पानी की धारा उसको अपने साथ बहा ले जाती है, लेकिन अगर पानी वहीं पर रुका हुआ है और मैंने वो प्लास्टिक का खिलौना वहां पर डाला उस पानी में, तो क्या वो प्लास्टिक का खिलौना वहां से उठ करके दूसरी जगह तक पहुंचेगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि है पानी तो है, कहते हैं कि नदी में पानी है बट वो पानी अभी फ्लो नहीं हो रहा है, और जब तक वो वाटर फ्लो नहीं होगा तब तक ये आपको कोई चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह तक उस पानी के थ्रू पहुंचाना है तो वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल तो हैं लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्लो नहीं कर रहे हैं, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे हैं तो करंट भी मतलब नहीं जा रहा है। ठीक है, करंट अभी इसमें नहीं आ रहा है, आप इसको टच करेंगे तो इसमें झटका नहीं लगेगा भले यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तब भी। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है ना कि फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो इसके अंदर अवेलेबल हैं उनको फ्लो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करें जिससे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे। तो नदी की पानी को अगर आपको क्या करना है, नदी की पानी रुकी हुई है ना, उसको आप चाहते हैं कि नदी का पानी एक फ्लो में बहे, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, पीछे से उसको पुश करना पड़ता है, मतलब पानी को कहीं और जहाँ पर पानी को रोक करके रखा गया है वहाँ से उसको हम ओपन कर देते हैं, बांध वगैरह होता है ना तो वहाँ से इसको खोल दिया जाता है ना, तो नदी में उधर से बहुत सारा पानी एंटर कर रहा है, और जब बहुत सारा पानी एंटर करेगा ना तो यहाँ जो रुका हुआ पानी था इसको भी ये बहा के लेके चलेगा, मतलब ये जो रुका हुआ पानी था इसको दूसरे साइड से दूसरे पानी ने क्या किया, उसको धक्का दिया है और पुश किया गया है, तब ये पानी जो है बहने लगा और पूरा पानी अब ये फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा हमको फ्लो कराने के लिए, लेकिन ये चीज़ अभी हम बच्चों देखेंगे आगे। ठीक है, तो पहली बात आपने समझ लिया कि चार्ज तो कंडक्टर में होता है लेकिन वो चार्ज किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा है, हमको पता नहीं कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो टोटल मिलाकर के चार्ज हम कह देंगे कि एक तरीके से करंट क्या हो गया यहाँ पर, जीरो। सबने एक दूसरे को, एक उधर भाग रहा था एक उधर भाग रहा था, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया तो जीरो हो गया। ठीक है, मतलब अभी करंट उसके अंदर नहीं आ रहा है, जब सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में भागेंगे फ्लो करेंगे तब जाकर के करंट आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई आपको। ठीक है, एक सेकंड में जितना भी करंट फ्लो करेगा, जितना भी चार्ज फ्लो करेंगे उसी को हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें इतना आ रहा है, कहीं हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है कहीं कम आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो वो डिपेंड करता है कि एक सेकेंड में इस एक पर्टिकुलर एरिया से कितने चार्ज यहाँ से निकले हैं। एक सेकेंड में अगर बहुत सारे निकले हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, अगर एक सेकेंड में इस एरिया से इस क्रॉस सेक्शन से अगर कम इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इट
मीन्स कि यहाँ पर करंट कम आ रहा है, ओके। या इसका दूसरा डेफिनेशन आप इसके फॉर्मूले के हिसाब से बता सकते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने की दर को, फ्लो होने के स्पीड को, रेट का मतलब स्पीड, फ्लो होने की स्पीड को, कितने मतलब फ्लो हो रहे हैं एक सेकेंड में, कितने फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो रेट जो होगा चार्ज के फ्लो होने का किसी कंडक्टर में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के ये दोनों डेफिनेशन है, और दोनों में से आप कोई सा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं या आप दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, इज इक्वल टू क्यू, क्यू का मतलब हो गया चार्ज, कितना चार्ज और कितने समय में, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वही डिपेंड करेगा कि यानी कि इसमें इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हुआ, ठीक है। और क्यू का मतलब क्या है, ऊपर भी मैंने आपको बताया, क्यू मतलब होता है एन ई, ई का मतलब क्या हो गया चार्ज, ई मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में इस एक पर्टिकुलर जगह से निकल रहे हैं, ठीक है। तो वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर करंट कितना है, ओके। तो आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज, टी मतलब टाइम, और देखिए इसका यूनिट अगर हम देखते हैं तो एन ई है ना, जो ये चार्ज है, ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, मैंने पहले भी यहाँ पर आपको बताया, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम लिख सकते हैं। और ये टी टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड, या इसी को आप एम्पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कूलाम पर सेकेंड को एम्पियर, ज़्यादातर हर जगह आपको एम्पियर ही यूज़ करना है, कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। ये एम्पियर यूनिट हम कैसे दे रहे हैं, क्योंकि एम्पियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी काम किया था इलेक्ट्रिसिटी पर, तो उनको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हम उनको ऑनर में ही हम बोलते हैं, उनके सम्मान में हम बोलते हैं कि इस यूनिट का नाम हमने एम्पियर रख दिया, ताकि उनको सब याद रखें। और देखो याद करते ही है ना, जहाँ जहाँ ये ऐसा यूनिट आएगा करेंट का, वहाँ वहाँ हम एम्पियर सर को याद करेंगे, ठीक है। तो एम्पियर ये क्या है, ऐसा यूनिट है करंट का, ठीक है। और ये करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट आपको तो लगेगा कि स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ कितना करंट फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में, करंट एक डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, ठीक है। तो ये फिर वेक्टर क्यों नहीं है, स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए वेक्टर में केवल यही नहीं होता है कि डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड हो, एक वैल्यू हो और एक डायरेक्शन हो और वो वेक्टर बन गया, नहीं, वेक्टर के और भी बहुत सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं जो कि ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। मतलब दो डायरेक्शन में अगर इधर की तरफ करंट जा रहा है ना, और इधर की तरफ करंट जा रहा है, और दोनों का अगर हमने रिजल्टेंट लिया तो वेक्टर में ये बीच में हो जाता है। लेकिन आपके ऐसा होता है क्या कि एक वायर में करंट इधर जा रहा था और करंट इधर जा रहा था, और रिजल्टेंट करंट जो है बीच में अपने आप ही पास होने लगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, जहां हमने करंट लगाया है वहीं करंट जाएगा, ठीक है। मतलब वेक्टर के कुछ और भी रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको ये फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो याद रखना है आपको, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है, और ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। वी कैन मेजर लो करंट, अगर आपको बहुत हल्का करंट कहीं मेजरमेंट करना है तो आप मिली एम्पियर से, एम ए, या फिर आप माइक्रो एम्पियर से, माइक्रो और छोटी यूनिट हो गई, माइक्रो एम्पियर से आप करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 mA इज इक्वल टू होता है 10^-3 A एम्पियर, ठीक है, या फिर 1 μ, माइक्रो को बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, 1 μ है ना, 1 μ एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10^-6 एम्पियर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है। ए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए मतलब क्या, एम्पियर, नेम्ड इन ऑनर ऑफ फ्रेंच के साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, और इनके नाम पर ही 1775 से लेकर के 1886 तक इनका ये लाइफ दिखाई गया, लाइफ साइकिल। तो इतना मतलब इनके नाम पर ही इन्होंने काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया, तो इनके नाम पर ही हम यूनिट ए को एम्पियर यहाँ पर जो करंट की यूनिट एम्पियर देते हैं, ओके। 1 F एक ये डेफिनेशन देता है, बहुत कुछ इसमें आपका फेराडे में भी आगे थोड़ा बहुत कुछ आएगा, और फिलहाल यहाँ पर मैंने फेराडे का एक डेफिनेशन आपके बुक में जिस सीक्वेंस में दिया था वहाँ मैं वहीं से बता दे रही हूँ। देखिए 1 F डेफिनेशन आता है लिखने के लिए, द चार्ज कैरिड बाय द 1 μ, एक मोल है ना। अब एक मोल क्या, तो एक मोल यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कितना चार्ज कैरी करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना चार्ज कैरी करेंगे, 1 μ, मोल को तो आप जानते ही
ही है, मोल को तो भूल नहीं सकते। वन मोल का मतलब क्या होता है? अच्छा मैं आपसे पूछूं, एक दर्जन बनाना है मतलब कितने बनाना, तो आप बोलते हैं एक दर्जन मतलब 12, ठीक है ओके। मैं कहती हूँ एक जोड़ा, एक वन पेयर शूज, तो पेयर का मतलब क्या हो गया, 2, आपको पता है ठीक है। तो जिस तरीके से दर्जन मतलब होता है 12, पेयर मतलब होता है 2, उसी तरीके से वन मोल मतलब क्या होता है। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक ग्लास में 1 मोल वाटर लिया है, मतलब मैंने वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, संख्या में बताओ। तो जब आप उस छोटी दुनिया में जाएंगे, है ना, मोल बहुत छोटी दुनिया है, उस दुनिया में आप जाएंगे और जाकर के मार्केट में कहेंगे कि भाई मुझे 1 मोल बनाना चाहिए, तो आपको पता है आपको कितने बनाना मिलेंगे? तब आपको मिलेगा 6.022 भी बोलते हैं, या 2 चलता जाएगा ना, तो 23 बोल देते हैं। तो 6.022 × 10^23 इतना बनाना आपको मिलेगा, तब कहेंगे कि 1 मोल बनाना आपने पाया। तो वही कह रहा है कि अगर 1 मोल करंट फ्लो हो रहे हैं, मतलब 6.022 × 10^23 अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो वो कितना चार्ज अपने ऊपर ढो के लेके जाएंगे, और वो जितना चार्ज अपने ऊपर ढो के लेके जाएंगे उसी उस चार्ज का जो पूरा चार्ज है टोटल मिला करके, उसी को हम बोलेंगे 1 फैराडे। समझ आए आपको? तो कितना चार्ज वो ढोके लेके जाएंगे। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन अपने सिर पर कितना चार्ज रखता है, 1 नेगेटिव चार्ज रखता है। उस 1 नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10^-19, ठीक है। इतना कूलाम मतलब एक इलेक्ट्रॉन इतना कर रहा है। अब मैंने बोला 1 मोल कूलाम, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ने इतना चार्ज रखा, तो एक दर्जन इलेक्ट्रॉन ने कितना चार्ज रखेंगे? तो एक दर्जन के लिए आप इसमें क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 12, फिर इतना चार्ज रखेंगे। अब मैं कह रही हूँ कि 12 नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितना चार्ज रखेंगे, तो एक चार्ज की जो वैल्यू है उसको आप क्या करिए, 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मतलब हुआ 6.022 × 10^23, इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो एक चार्ज रखता है इतना, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दो किसमें, हमको ये 1 मोल में, तो ये 1 मोल की वैल्यू हो गई। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आंसर क्या आ गया, 96500 कूलाम। मतलब इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो अपने ऊपर जो चार्ज लेके घूमेंगे, उस चार्ज की टोटल वैल्यू इतनी होगी, 96500 कूलाम, और इसी को बोला जाता है 1 फैराडे। क्या बोलेंगे इसको, 1 फैराडे, ओके। ए मीटर, ए मीटर क्या होता है बच्चों, ए मीटर वो डिवाइस होता है जो करंट बताता है, कहीं भी करंट का मेजरमेंट करके बताता है कि भाई कितना करंट यहाँ पर पास हो रहा है ना। तो जो करंट का मेजरमेंट हमको बताएगा कि इसमें कितना करंट आ रहा है, उस डिवाइस को, उस यंत्र को, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, ए मीटर। तो डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको ए मीटर बोला जाता है। आई थिंक बच्चों यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अब जो चीज इसमें मेन क्वेश्चन है ना, कि ठीक है सब कुछ समझ में आ गया कि कंडक्टर होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यही जो है वो करंट के कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं, यही करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब सारे के सारे फ्लो करेंगे ना, तब ये काम होगा, तब करंट आएगा, अदरवाइज हर जगह ही छूने पर करंट नहीं आता रहेगा, ठीक है, हर कंडक्टर में। तो ये करंट फ्लो करेंगे कैसे, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको नदी की पानी की बात बताई ना, वैसा ही कुछ होता है। अब मैं आपको दिखाती हूं दूसरे बोर्ड पर। बच्चों देखो, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, अभी देखा था हमने कि करंट है ना, करंट का डेफिनेशन हमने क्या देखा था, कि करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है, I इज इक्वल टू Q/T, ओके, ये करंट है ना। I इसमें क्या है, करंट है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, कितना चार्ज फ्लो करेगा, आपको मैंने बताया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इन थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको 1 एम्पियर पूछा जाए, एम्पियर किसका होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। अगर आपसे कहा जाए कि 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर को डिफाइन करिए, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, देखो इसको पहले एम्पियर, यहाँ पर इसका यूनिट रख दो एम्पियर, फिर आप इसका भी यूनिट रख दो कूलाम, फिर इसका भी यूनिट रख दो सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या बनता है, डेफिनेशन इसी में यहीं पर छुपा हुआ है, कि जब 1 कूलाम का करंट, ठीक है, 1 कूलाम का चार्ज, 1 कूलाम का चार्ज
जब एक सेकंड में फ्लो होगा तब वहाँ पर 1 एम्पियर का करंट ओरिजिनेट होगा। ठीक है, देखो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, 1 कूलम ऑफ, इफ 1 कूलम का चार्ज, इफ यदि 1 कूलम का चार्ज इज फ्लोइंग, फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, यहाँ पर भी हमने लगा दिया इन 1 सेकंड, देन इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो करेगा, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज सेड टू बी 1 एम्पियर, तो जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वह भी 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ओके बच्चों डन है ना, तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप ये बताएंगे। अब देखिए ड्रिफ्ट स्पीड क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट स्पीड में पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा कि जो मैं बार बार फ्लो ऑफ यहाँ पे बार बार हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का फ्लो होना करंट है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंने एक कॉपर का वायर ले लिया है, ठीक है, ये पतला सा कॉपर का वायर आपको दिखाई दे रहा है। अब इस पतले से कॉपर के वायर को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर जूम कर दिया है, ठीक है, बड़ा कर दिया, यहाँ पर मैंने देखो इसको जूम कर दिया, बड़ा करके मैं इसके अंदर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमारा कॉपर तो रहेगा ही Cu, ठीक है, और Cu के वैलेंस से बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो चुके हैं, यानी कि कॉपर के एटम को छोड़ करके, और वो इसी के अंदर यहाँ पर यहीं पर रह रहे हैं, लेकिन उस एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो चुके हैं, अट्रैक्शन फोर्स अब उन पर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कॉपर के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कॉपर को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आ गए तो कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा ना कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए, जब अपने आप ही निकल गए हो, लेकिन कुल मिलाकर के कॉपर से तो इलेक्ट्रॉन गए, तो कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर रहेंगे ही, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले भी हैं, जो कि कॉपर है बेचारा जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ठीक है, तो कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये कैटायन भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ओके, अब इसमें जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करते हैं, अब फ्री है एकदम, है ना, अब इनको कोई काम तो है नहीं, और इनके ऊपर किसी का बाउंडेशन भी नहीं है, न्यूक्लियस पहले पकड़ के रखा था और न्यूक्लियस के रूल रेगुलेशन में ये मूव करते थे, अब वो रूल रेगुलेशन भी नहीं है, तो अब तो ये एकदम फ्री हैं, कैसे भी अपना घूमते रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर, उधर से उधर घूमते हैं। अब देखो घूमने का तरीका, आप देखो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जा रहा है, ऐसे झूमते झूमते जा रहा है, अब मैं उतना तेज़ी से चल नहीं सकती, अब ऐसे से घूमते गया, फिर यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो इसे से टक्कर मार के उधर चला गया, ठीक है, अब उधर जाकर के फिर आगे वाले से टक्कर मारा, उधर चला गया, मतलब घूम तो रहा है लेकिन आंख बंद करके, जैसे आंख बंद करके जा रहे हैं और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर दूसरा कोई बच्चा खड़ा है, उससे जाके टकरा गए, उसने ऐसे धक्का दे दिया तो उधर से दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गए, उसने धक्का दे दिया उधर मुड़ गए, मतलब ये जा तो रहे हैं लेकिन अटेंडम कहीं भी है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां टकरा के इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, टकरा के कुछ इधर चला गया, कोई फिर इधर से, या तो हो सकता है इधर जाकर के इलेक्ट्रॉन से ही टकराए, जरूरी नहीं, इलेक्ट्रॉन कैटायन से भी जाकर के टकरा गया, टक्कर खा करके उसी में अपना घूम रहे हैं, इधर उधर 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 उधर, है ना, कैसे भी घूम रहे हैं, इधर से उधर, तो इनका एक अटेंडम मूवमेंट चलता रहता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं लेकिन अटेंडम कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अरे मतलब अटेंडम कहीं भी मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, तो करंट यहां पर आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ने दूसरे के मूवमेंट को न्यूट्रल कर दिया, अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट को इस मूवमेंट ने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, है ना, तो नेट इसमें हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर हम टोटल निकाले तो हमको 0 मिलेगा, कि कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, सब ने एक दूसरे के मूवमेंट को क्या कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है। जैसे कहते हैं कि एक लकड़ी अगर है उसको तोड़ने का प्रयास करिए तो वो टूटता नहीं है, लेकिन अगर मतलब आसानी से टूट जाता है, और अगर लकड़ी का पूरा ढेर हो गया अब तोड़ने की कोशिश करिए तो वो नहीं टूटता है, तो यूनिटी यहां पर यूनिटी नहीं बन पा रही है, वो यूनिटी हमको बनाना है कि इलेक्ट्रॉन्स को, सारी इलेक्ट्रॉन्स अगर एक डायरेक्शन में मूव करते तो चार्ज मूव करता हो, है कि नहीं, सबके ऊपर 1.6×10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज है, और इतना सारा चार्ज एक साथ जब कोई भी मूव करता ना तो वहां पर अब छूने पर झटका लगेगा, ठीक है, करंट आएगा, ठीक है, तो लेकिन ये सब इधर उधर मूव कर रहे हैं तो नेट यहां पर जो चार्ज हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है, और इसी को देखें यहां पर, व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, है ना, किसी कंडक्टर में चार्ज का बहना, ठीक है, फ्लो होना,
द इलेक्ट्रॉन द चार्ज इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, एक स्पीड से ये मूव कर रहे हैं, जिस स्पीड से इनका मूवमेंट चलता रहता है इस स्पीड को ही बोला जाता है ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब ड्रिफ्ट स्पीड अभी फिलहाल इनका इनकी स्पीड कितनी है, ठीक है, जब ये स्टडी मतलब ये सब जो है ना, जब हम कहीं इनको पुश नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ये अगर आयरन का एक रॉड है या ये आयरन का मैंने एक रॉड ले लिया और इस रॉड में आयरन के रॉड में मैं कह रही हूँ कि इसमें इनकी स्पीड कितनी है, ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट चल रहा है ना रैंडम किधर भी मूवमेंट कर रहा हो रहा है, तो इस समय जो रैंडम मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो एक्चुअल में किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इनका मूवमेंट होता है 1 mm per second, ठीक है, 1 mm per second। आप समझ रहे हैं ना mm डिस्टेंस मतलब कितना छोटा हुआ, इसमें से जो पहली लाइन दिखाई दे रही है लगभग वही है ना 1 mm, तो इतना 1 mm जो है ये 1 second में ये जा रहे हैं, ठीक है, इनकी इस समय इनकी जो स्पीड देखी गई है ना, तो 1 mm per second की स्पीड से ये जा रहे हैं, तो सोचो कि इनको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और यहाँ समय लगता है क्या, जब करंट चलता है तो समय लगता है क्या, नहीं, समय क्यों नहीं लगता, हमने जैसे यहाँ पर स्विच ऑन किया बल्ब जल गया, यानी कि करंट यहाँ से वहाँ तक फटाफट ट्रांसफर हो गया, कैसे ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी थी, क्या हुआ ऐसा, ओके, ये सब सारे क्वेश्चंस के जवाब हमको धीरे धीरे चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सब मिलेगा। फिलहाल आपने ये समझ लिया कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, व्हेन स्टेडी करंट फ्लो, स्टेडी करंट का मतलब यही है कि जब इस करंट को पुश नहीं किया गया है, कोई हमने किसी इसको किसी सोर्स से नहीं जोड़ा है, मतलब स्विच ऑन करना मतलब अंदर से इसका कनेक्शन सर्किट से हमने इसको जोड़ा नहीं है, सेल या बैटरी से हमने इसको अटैच नहीं किया है, एक लोहे का ऐसे ही रॉड है तो भी तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद तो हैं ही, उस समय उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो स्थिर अवस्था में मतलब इसको हमने जोड़ा नहीं है, सर्किट में अटैच नहीं किया है, तब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे मूव करेंगे है ना, जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड से वो मूव करते हैं, तब उनके मूवमेंट को बोला जाता है ड्रिफ्ट स्पीड, और ये मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, किसी भी डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन मूव कर रहा है, अगर वो जा रहा है सीधे जा भी रहा है तो टक्कर खा के उसका डायरेक्शन मुड़ गया, हो सकता है वापस बैक अपने डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, तो टकराता रहता है, टकरा करके वो क्या होता है बैक अपने रास्ते में वापस आ जाता है, ओके, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 mm per second की वैल्यू होती है, ठीक है। करंट फ्लो इन होल वायर, देखिए पूरे वायर में करंट का फ्लो जब होगा, ये अब जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में जब फ्लो होंगे ना, तब वहां पर हमको करंट फील होगा, लेकिन ये टॉपिक कि करंट फील होगा कैसे, इसके लिए हमको वोल्टेज वगैरह सारे टॉपिक सब आगे आएंगे जिस पर हम पढ़ेंगे, तो यहां से इसको ड्रिफ्ट स्पीड तक पढ़ के और इसको करते हैं स्टॉप बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब यहां के बाद की स्टोरी कि ये सारे रैंडम इधर उधर घूम रहे थे, उनको हमने एक डायरेक्शन में घुमाया कैसे, और कैसे स्विच ऑन करते ही बल्ब जल जाता है, ठीक है, तो करंट की स्पीड इतनी ज्यादा है कैसे, ओके, ये सब चीजें बच्चों हम पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट सेकंड में, और उसी में हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इतने वोल्टेज का सेल लेके आओ या इतने वोल्टेज की बैटरी है, ये सब जो बातें हम करते हैं ये सब एक्चुअल में क्या है, ये सब स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ओके, स्टडी करते रहिए, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।